नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास से मैं आर पी व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ जिनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ना है। वैसे ये जो अभी इस चैप्टर में मैं आपके लिए कुछ सामग्री लेके आ रहा हूँ वो केवल डिप्लोमा के लिए नहीं वरन बीटेक के लिए भी काम की है। तो आज ये जो वीडियो नंबर 5 है इस चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सरल प्रतिबल और विकृति, उसमें हम चेंज इन लेंथ, जब कभी किसी रॉड पर कोई फोर्सेस लगते हैं, अक्षीय बल लगते हैं, एक्सियल फोर्सेस लगते हैं, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, देयर विल बी चेंज इन लेंथ। वो लंबाई बढ़ सकती है, लंबाई घट सकती है। तो किसी धात्विक छड़ की लंबाई यानी किसी मेटलिक रॉड की लंबाई कितनी बढ़ती है अथवा कितनी घटती है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, आज हम उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिएगा, अगर ये कोई रॉड है जिसकी ये एक्सिस है और इस एक्सिस पर एक पी फोर्स लग रहा है, कैपिटल पी, और इस रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और ए जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये मैं आपको पहले वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूँ। अगर ये जो फोर्स है ना, इसके जो परपेंडिकुलर हम कोई सेक्शन काटें और साइड से देखें तो उसका जो सेक्शनल व्यू होता है इस रोड का, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, उसका एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ए है। और ई जो है वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। अब हम आपको बताना चाहते हैं, अगर ये फोर्स पी लग रहा है तो इसकी जो चेंज इन लेंथ होगी डेल्टा एल, उसके लिए फॉर्मूला होता है पी एल अपॉन ए ई, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए इंटू ए। ये कैसे बना फॉर्मूला, ये ऐसे समझें आप इस चीज़ को कि आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। आपको मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेन जो होती है विकृति वो होती है डेल्टा एल अपॉन एल। और आपको मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियोस के अंदर कि प्रतिबल जो होता है वो एक कांस्टेंट कैपिटल ई इनटू विकृति होता है। अब अगर मैं स्मॉल पी और स्मॉल ई के जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पुट कर दूँ तो स्मॉल पी की जगह आ गया पी अपॉन ए, ई को लिख सकता हूँ मैं ई अपॉन वन, और इस स्मॉल ई को कह सकता हूँ डेल्टा एल अपॉन एल। तो आप देखेंगे कि पी अपॉन ए इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू वन एल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ई इंटू डेल्टा एल, ए इंटू ई इंटू डेल्टा एल बराबर पी इंटू एल। इट इम्प्लाइज हमें डेल्टा एल निकालना है, तो ये पी इंटू एल का मतलब पी एल और ए इंटू ई का मतलब ए ई। ये वो फॉर्मूला है जो हम काम में लेते हैं। एक्सियल फोर्स जब लगता है किसी रोड पर, ये पी जो है इसको कहते हैं एक्सियल फोर्स। इसको मैं डिफाइन कर चुका था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, हिंदी में कहेंगे इसको अक्षीय बल। तो जब किसी छड़ पर अक्षीय बल लगता है तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होता है। अभी मैंने जो चित्र में बताया है पी को तनाव बल, तो ये वृद्धि हो जाएगी यानी कि एक्सटेंशन हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। अगर ये पी कंप्रेशन होता, यदि ये जो पी है ये संपीड़न होता यानी कि कंप्रेसिव फोर्स होता, देन तब जो डेल्टा आता फॉर्मूला तो वही होता पी एल अपॉन ए, लेकिन फिर वो कमी होती,
यानी कि रिडक्शन इन लेंथ होता, ये इंक्रीज इन लेंथ है, वो रिडक्शन इन लेंथ होता। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। अच्छा, इसको कई बार हम एक और प्रकार से भी काम में ले सकते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। तो मैं इसको डेल्टा एल इज इक्वल टू इस कैपिटल पी अपॉन ए को मैं स्मॉल पी कह सकता हूँ, स्मॉल पी इंटू एल अपॉन ई। ये भी काम का है। हमें अगर स्ट्रेस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ई दे रखा है कैपिटल, तो इस ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पी अपॉन ए ही स्ट्रेस होता है। तो इनका हम उपयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि ये देखिए एक रॉड है, इसके साथ हमने दूसरा एक पोर्शन और जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ये भी एक्सियल, ये अक्षीय है, पी फोर्स लगाया भाई, पी फोर्स है, इसको कहा हमने वन, इसको कहा हमने टू। ये जो पहला पोर्शन है ना, इसकी जो लेंथ है वो है एल वन, और दूसरे पोर्शन की जो लेंथ है वो है एल टू। ए वन जो है, ये जो पहला पोर्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन है और यंग्स मॉडुलस ई वन है, और ये जो दूसरा पोर्शन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू है और यंग्स मॉडुलस ई टू है। अब चूंकि ये फोर्स कंप्रेसिव है तो इस रॉड की लेंथ में कमी होगी, देयर विल बी रिडक्शन इन लेंथ, यानी कि जो डेल्टा होगी वो कमी होगी, वो रिडक्शन होगा। और कमी कितनी होगी, तो देखिए इस पहले वाले पोर्शन में भी कुछ कमी होगी, दूसरे वाले पोर्शन में भी कुछ कमी होगी। अच्छा, इस पहले फोर्स में कितना, पहले पोर्शन में कितना फोर्स लग रहा है, पी, दूसरे में कितना लग रहा है, पी पी, तो फोर्स तो एक ही है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ कोई सेक्शन काटता हूँ इस जगह पर, इसके लेफ्ट में देखता हूँ तो पी कंप्रेशन है, राइट में देखता तो पी कंप्रेशन ही है, लग तो यहाँ रहा है लेकिन ये ट्रांसफर तो यहाँ तक हो रहा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों पार्ट्स के अंदर फोर्स सेम है, पी। अच्छा, अगर मैं सेक्शन यहाँ काटता हूँ, इसके राइट में देखता हूँ तो फोर्स पी है, और लेफ्ट में देखूँगा तो फोर्स ये पी ही है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। तो जब बाहर से एक ही फोर्स लगता है इधर से उधर से, तो जितने भी पोर्शन बीच में होंगे उन सब में फोर्स यही होगा। इस बात को आप समझें, मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ, देखिएगा, जैसे अभी मैंने आपके सामने जो फिगर लिया था वो ये था, ये था, और मैंने इसको कहा था ये पी फोर्स, अभी जस्ट पिछले पेज पर, इसको वन कहा था, इसको टू कहा था, और इसके लिए मैंने कहा था ए वन और ई वन, और इसके लिए कहा था ए टू और ई टू। ये जो लेंथ है ये वाली, इसके लिए कहा था एल वन और एल टू। अब अगर मान लीजिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम यानी इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग मानूं कि इनमें कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, तो देखिए मैं एक लाइन खींचूंगा नीचे, इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा इस प्रकार से, ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा मैं इसको, और ये जो पहला फोर्स है ना ये यहाँ बना लिया, एग्जैक्टली वही है ये मान लिया हमने, और दूसरा जो पोर्स है इसको यहाँ बना दिया। हम अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे। देखिए इस पहले पोर्शन में कितना फोर्स लग रहा है, अगर हम लेफ्ट से देखें इसके तो पी दिख रहा है, तो ये पी होगा, तो राइट से देखें तो पी उधर से होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, ये पहला हो गया। अगर मैं दूसरा देखूं, दूसरा, तो उधर से देखिए एक्सियल फोर्स पी है, और इधर से देखूं तो पी ही होगा। हर जगह इस रोड की हर जगह पर फोर्स पी ही है, क्योंकि अंदर तो फोर्स लग नहीं रहा है, बाहर से पी लग रहा है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे आपस में जुड़ते हैं ना, तो इंजन जब फोर्स लगाता है तो आखिर में गाड़ के डिब्बे तक वो ट्रांसफर होता है, तो हम जो फोर्स लगाएंगे बराबर बराबर इसमें ट्रांसफर होगा। अब एक बात नोट कीजिएगा, अगर मैं इसको कहता ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हो गया ए बी, ये क्या हो गया बी सी।
अब बी पर कितना फोर्स है, देखो यहाँ तो कोई बी पर फोर्स है ही नहीं, एक्स्ट्रा कोई फोर्स हमने लगाया ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा, नीचे देखिएगा, ये पी बी पे इधर है और बी पर ही ये पी इधर है, तो ये पी इधर और वो पी उधर, इक्वल ऑपोजिट। देखिए इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, इसकी राइट की तरफ है, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यह देखिए वास्तव में कोई फोर्स था ही नहीं, लेकिन दिख तो नहीं रहा है लेकिन वास्तव में तो है ये। तो हमने क्या किया, जितना फोर्स इधर दिख रहा है उतना इधर हो गया। तो देखिए ये जो पहला पोर्शन है इसकी भी लंबाई में चेंज हो रहा है, दूसरा पोर्शन है इसमें भी लंबाई में चेंज हो रहा है, इसकी लंबाई में चेंज होगा डेल्टा एल वन और इसकी लंबाई में चेंज होगा डेल्टा एल टू, और दोनों की लंबाई में चेंज का जब जोड़ करेंगे तो टोटल चेंज हमको मिल जाएगा। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखेंगे तो पहला पोर्शन है ना, इसकी लेंथ है L1 और दूसरे पोर्शन की लेंथ है L2। हमारे लिए एक फॉर्मूला है डेल्टा L का, मैंने कहा था पी एल अपॉन ए ई, यहाँ मैं कहूँगा सिग्मा पी एल अपॉन ए ई। अब सिग्मा का मतलब क्या, समेशन, जोड़। अब देखिए यहाँ तो दो ही भाग थे, वन और टू, तो हम कह सकते हैं कि पी वन एल वन अपॉन ए वन ई वन प्लस पी टू एल टू अपॉन ए टू ई टू। लेकिन पी वन और पी टू दोनों बराबर है, दोनों पी के बराबर है, तो हम पी को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, एल वन अपॉन ए वन ई वन प्लस एल टू अपॉन ए टू ई टू। तो इस तरह से हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं, यानी कि चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा ये कंप्रेशन है, लंबाई में कमी होगी, ये भी कंप्रेशन है, लंबाई में कमी होगी, तो दोनों कमी कमी जुड़ के कम ही रहेगी, तो ये फाइनल आ जाएगा आंसर, आंसर हमारा ये L1 L2 A1 A2 E1 A2 सब आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, ये पक्की बात है। मैं कुछ और एग्जांपल्स देना पसंद करूँगा इस स्टेज पे, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए इसका, और आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के स्वयं कर सको। देखिएगा अगर मैं आपसे कहता कि ये एक रॉड है इस प्रकार की, और ये इसकी एक्सिस है, यहाँ फोर्स लग रहा है मान लीजिए 50 किलो न्यूटन, यहाँ फोर्स लग रहा है मान लीजिए P, यहाँ फोर्स लग रहा है मान लीजिए 30 किलो न्यूटन, और ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है मान लीजिए 70 किलो न्यूटन। इस तरह से कितने फोर्स लग रहे हैं कुल मिला के, चार, एक दो तीन चार। ये पोर्शन नंबर वन है, ये पोर्शन नंबर टू है, ये पोर्शन नंबर थ्री है, ये जो लंबाइयां हैं अलग अलग ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और यंग्स मॉडुलस जो है E वो सब के लिए मान लीजिए एक है। अच्छा इसमें जो एरिया और E यानी A और E का मल्टीप्लिकेशन, ये आपको मान लीजिए क्या रखा कि कांस्टेंट है, यानी इस पूरी रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सेम है हर जगह पर। जैसे इसमें तो अलग अलग था ना, ये इसका साइड से देखें एरिया कम था, इसका ज़्यादा था, इसमें एरिया सबका हम सेम मान लेते हैं, और इसमें तो हमने ई वन ई टू अलग अलग माने थे, अलग अलग पदार्थ माने थे इनको, यहाँ हम एक ही मान लेते हैं। इसका बोला ए और ई जो है उसका गुणा करेंगे वो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ लेंथ अलग अलग है और फोर्स अलग अलग है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ये पी कितना होगा फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था के लिए इस पी का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन हमारा। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स के अंदर अगर साम्यावस्था है तो सभी क्षैतिज बलों का बीज योग जीरो होता है, यानी कि सिग्मा हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सिग्मा एच बराबर जीरो, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। कैसा सम, एलजेब्रिक सम, बीजी योग। इसका मतलब
लेफ्ट की ओर जो फोर्स लगते हैं वो मिलाकर राइट की ओर जो फोर्स लगते हैं उनके बराबर है। ये पी किधर लग रहा है? राइट में। तीस किधर लग रहा है? राइट में। ये दोनों राइट में लग रहे हैं, हम कह देंगे पी प्लस थर्टी। ये दोनों फोर्स टुवर्ड्स राइट है, पी भी और थर्टी भी। और ये पचास और सत्तर, देखो दोनों, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, ये भी लेफ्ट जा रहा है, तो इजिकल टू पचास प्लस सत्तर, ये आ रहा है लेफ्ट में। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तभी तो होगी साम्यावस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम। इट इम्प्लाइज पी प्लस थर्टी इजिकल टू, ये कितना हो गया, सत्तर पचास एक सौ बीस। इसका मतलब पी की वैल्यू हो गई 120 माइनस 30 यानी कि 90 किलो न्यूटन। ये हो गया मामला, ये पहला आंसर आ गया। इसका मतलब ये जो पी आया आपका, ये कितना हो गया, 90 किलो न्यूटन। अब मैं कह सकता हूँ कि ये 90 है, इसका मतलब अगर मैं इसको अगर से वापस से एक फिगर बनाऊँ यहाँ पे, इसका इस तरह से, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये अक्सेस की एक्सिस है, ये तो 70 है ही है, ये 70 है, ये 30 है, दे रखा आपको क्लियर कट। ये पी कह रखा था, अब पी ना होके इसको हम नाम देंगे 90 किलो न्यूटन, और ये आपका 50 है। अब आप देख लो लेफ्ट राइट बराबर है, देखो 90 उधर है, 30 उधर है, 120 उधर हो गया, और इधर 50 और 70 120। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो तीन पोर्शन मैंने बताए हैं 1, 2 और 3, इन तीनों में अलग अलग कितना बल है। इसके लिए मैं इस चित्र को थोड़ा सा सुंदर बना लेता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ, मान लीजिए L1, इसको कह देता हूँ L2, इसको कह देता हूँ L3। पहली बात तो ये है कि जो डेल्टा L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा पी एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। इन तीनों पोर्शन में, यानी कि 1, 2 और 3 जो तीन पोर्शन हैं, इन तीनों की लंबाई में परिवर्तन होंगे, किसी में लंबाई बढ़ सकती है, किसी की घट सकती है, और ओवरऑल जो होगा हमें फाइनल में पता पड़ जाएगा कि क्या हुआ। अगर घटी ज़्यादा है बड़ी कम है तो घटी आंसर आएगा, और बड़ी ज़्यादा है घटी कम है तो आंसर बड़ी का आएगा। वो तय करेगा आखिर में कि भाई किसका असर ज़्यादा है, कंप्रेशन का असर ज़्यादा है या टेंशन का असर ज़्यादा है। कैसे, अभी समझाता हूँ। अभी मैं आपको कह चुका था कि ए ई कॉन्स्टेंट है, यानी सब पार्ट्स के लिए ए और ई बराबर है, तो मैं 1 अपॉन AE को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, P1 into L1 प्लस P2 into L2 प्लस P3 into L3। सिग्मा है ना, इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जोड़ना, तो प्लस लगा दिया हमने। अब ये ए और ई तो आपको प्रश्न में दे रखे होंगे डेफिनेटली, और लेंथ जो है L1 L2 L3 भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। अब प्रश्न उठता है P1 P2 और P3 ये कैसे निकालें, उसके लिए मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ। तो ये कैसे होगा, देखिए आप ध्यान से, मैं वापस से फिगर बना रहा हूँ आपके लिए, ये फिगर था हमारा ये वाला, ये और ये हमने एक्सिस बनाई और यहाँ लगाया कंप्रेशन, ये 70 किलो न्यूटन का, ये यहाँ पे इस तरह से 30 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे है आपकी ये 90 किलो न्यूटन का, और ये यहाँ पे है आपके 50 किलो न्यूटन का, और ये लंबाई आपको सब क्वेश्चन में दे रखी है। चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ समय के लिए इसको मान लेता हूँ 1.2 मीटर, ठीक है, इसको मान लेता हूँ 1.8 मीटर, और इसको मान लेता हूँ मैं, मान लीजिए 3 मीटर, ओके। और ये जो ये रॉड है, अच्छा मैं ऐसा मान लेता हूँ कुछ समय के लिए, आपको समझ लें इसको, कि ये जो फाई का मतलब होता है डायमीटर, इस पूरी रॉड का जो डायमीटर है
वो मान लीजिए 40 mm है, कितना है 40 mm, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर होता है ना, तो पाई बाय 4 इंटू 40 स्क्वायर, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, आप अगर 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा, और 1600 को 4 से भाग लगाएंगे तो 400 आएगा, तो 400 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया मिल गया। 40 का स्क्वायर 1600 में 4 का भाग लगा दिया, 400 इंटू पाई, ये हो गया। अब हमारा जो, अच्छा मान लीजिए आपको ई भी दे रखा है, सपोज़ ई आपको दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये मान लीजिए आपको ई भी दे रखा है। अब आप क्या करेंगे कि फोर्स निकालेंगे अलग अलग पोर्शन के अंदर अलग अलग, वो निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैसे निकालेंगे इसको आप अच्छे तरह से एक बार समझ लेंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इस प्रकार का एक क्वेश्चन सामान्यतः एग्जाम में ज़रूर आता है, देखिएगा ये पहला पोर्शन था, ये पहला पोर्शन था, ये दूसरा पोर्शन है, और ये तीसरा पोर्शन है। सारे बल कैसे हैं, अक्षीय। ये जो मैंने अलग अलग तीन चित्र बनाए ना, इनको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। अब आप एक बात समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो पहला पोर्शन है फर्स्ट, ये दूसरा है, ये तीसरा है, पहले पोर्शन में वही फोर्स लगेगा, वही फोर्स लगाना है या वही फोर्स लगेगा, कार्य करेगा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। कितना देख रहा है आपको, ये 50 kN लेफ्ट की ओर, तो ये 50 kN हो गया डेफिनेटली। अच्छा फोर्स तो दोनों तरफ इक्वल ऑपोजिट होता है, यानी इधर अगर 50 यूँ लग रहा है, उधर 50 डेफिनेटली यूँ ही लगेगा, इस बात को पक्का मान लीजिएगा। यानी इस पहले पोर्शन के अंदर 50 kN का टेंशन है, तनाव लग रहा है, ये इसकी लंबाई को बढ़ाएगा। अब प्रश्न उठता है ये 50 हम लिख तो दिया पर कैसे आया। देखिए ये जो पहला पोर्शन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नंबर एक है, ये नंबर दो है, ये नंबर तीन है। मैंने यहाँ अपना पेन रखा, यानी मैं अब पेन के इधर देखूँगा, मैं उधर अभी नहीं देखूँगा, इधर देखूँगा, इधर तो मुझे एक ही फोर दिख रहा है, 50 बस ये। अब उधर देखते हैं ना, तो इधर वाले को भूल जाओ, अब आपको ये वाला भूल जाना है, लेफ्ट वाला ये भूल जाना है, अब राइट में देखना है। राइट में देखोगे तो देखिए 90 उधर है, 30 भी उधर है, कितना हो गया 120 तो इधर है राइट में, और 70 है लेफ्ट में। अगर मैं 120 इधर और 70 इधर, यानी वो जो राइट वाला ज़्यादा है ना, तो 120 में से 70 कम करूँगा तो 50 होगा, वो किधर होगा राइट, ये देखिए 50 का राइट हो गया। अब जो थर्ड पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें वही फोर्स होगा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, कितना 70, वो इधर है ना, तो 70 इधर हो जाएगा कंप्रेशन। अब एक बात है, इधर अगर 70 यूँ लग रहा है, इधर 70 यूँ ही होगा, आपको सोचना ही नहीं ज़्यादा इस पर। इसका मतलब इस तीसरे पोर्शन पर 70 kN का कंप्रेशन है, ये इसको दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है। अब देखो उधर तो आपको 70 दिख गया, ये देखो 70 दिख रहा है आपको, अगर आप इधर से देखेंगे इस साइड से तो भी 70 मिल जाएगा। कैसे देखो आप ज़रा, ये 90 और 30 कितना होता है 120, 90 भी इधर है 30 भी इधर है, कितना हो गया 120, और वो 50 उधर है। अगर मैं 120 में से 50 घटाऊं तो 70 ही तो होगा, किधर इधर, ये ज़्यादा है, तो 120 - 50 70, ये देखो 70 मैंने यहाँ लगा दिया। इस थर्ड पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड पोर्शन की। तो बहुत आसान चीज़ आप समझ लीजिएगा, फर्स्ट में तो वही होता है जो यहाँ दिख रहा है, और थर्ड में वही होता है जो वहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं बीच वाले पोर्शन की, इसमें क्या लगेगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको एक सेक्शन इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ इसको बीच में से काट दिया, मान लो यहाँ से काट दिया, चलो मैंने अपना पेन रख दिया यहाँ पे, ये पेन रख दिया मैंने, ये पेन रख दिया।
अब देखो इस साइड से कितने फोर्स लग रहा है, एक दो, ये 50 किधर है, इधर 90 किधर है, उधर, तो नेट क्या बचा 40 किधर, उधर, क्योंकि 90 तो राइट में है और 50 लेफ्ट में है, तो राइट का ज़्यादा है तो 90 में से 50 घटा के 40, तो ये आपका हो गया 40, इधर ये हो गया 40। अच्छा अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर 40 ही इधर है तो उधर से भी 40 उधर ही होगा, अच्छा उधर से अगर देख भी लेंगे उस साइड से, चलो मैंने अभी इधर से देखा ना, अब उधर से देख लेते हैं, उधर देखो, जब उधर देखेंगे तो इन दो फोर्सेस को भूल जाना है, आपने जो अभी इधर वाले फोर्स लिए थे इनको भूल जाना है, उधर देखना, अब इनको याद नहीं रखना, इनको भूल जाओ, उधर देखो तो देखो 30 तो उधर है और 70 इधर है, तो 30 तो कम होता है 70 ज़्यादा होता है, तो 70 में से 30 घटाएंगे तो 40 तो आएगा, और किधर आएगा ये, इधर आएगा क्योंकि 70 इधर है, तो ये देखिए आपका 40 इधर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या कह दिया कि ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें 40 किलो न्यूटन का कंप्रेशन है, संपीड़न लग रहा है। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, हम इसको कैसे वेरीफाई करें, देखिएगा अगर मैं कहता कि ये रॉड जो है ए बी सी डी है, अगर मैं इसको ए बी कह दूँ तो ये बी सी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा, बी पर कितना फोर्स लग रहा है, बी पर 90 किलो न्यूटन लग रहा है ना, ये यहाँ देखो जरा बी पर, ये 50 तो यहाँ लग रहा है और 40 यहाँ लग, देखो 50 उधर है राइट में है, 40 भी राइट में ही है, तो ये 50 और 40 मिलकर 90 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर है, ये वेरीफाई हो गया। अच्छा यहाँ कितना लग रहा है, 30 सी के ऊपर 30, देखो चेक करो कैसे लगेगा, यहाँ देखो 40 इधर है और यहाँ पे 70 इधर है, अब 70 तो इधर है राइट और 40 लेफ्ट में, तो राइट ज़्यादा है ना, तो 70 में से 40 कम कर दिए 30 बच गया राइट तरफ, देखो ये 30 राइट वेरीफाई हो गया, और यहाँ डी पे तो ऑलरेडी 70 था ये वाला, यहाँ 70 है ये, और ए पर ये 50 था, ये 50 है, कहाँ समस्या है इसके अंदर, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखिए फाइनल क्या होगा, P1 P2 P3 निकालेंगे, P1 P2 P3। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं टेंशन को कहूँगा प्लस और कंप्रेशन कहूँगा माइनस, इस बात को मैं बॉक्स में लगाता हूँ, टी मतलब टेंशन तनाव, सी मतलब कंप्रेशन संपीड़न। अब ये जो P1 है ये टेंशन था, तो P1 बराबर 50 किलो न्यूटन, P2 देखिए कंप्रेशन है तो माइनस का 40 किलो न्यूटन, और P3 भी कंप्रेशन है तो माइनस का 70 किलो न्यूटन। अब सामान्यतया हम सारी इकाइयां जो लेते हैं वो न्यूटन एमएम में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 50,000 न्यूटन माइनस के 40,000 न्यूटन और माइनस के 70,000 न्यूटन। अब L1 L2 L3 मैंने अभी बताया था आपको 1.2 मीटर, फिर 1.8 मीटर और 3.0 मीटर, इसको बदलेंगे mm में, तो ये आ जाएगा 1200 mm, ये आ जाएगा 1800 mm, ये आ जाएगा 3000 mm, क्योंकि एक मीटर में 1000 mm होते हैं, और ए आपने 400 πmm² ऑलरेडी निकाला हुआ है, और ई आपको 2×10^5 न्यूटन पर mm² दे रखा है। अब आपके सामने ये फॉर्मूला था डेल्टा एल का, याद करें क्या था, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। और आपको याद होगा मैंने कहा था AE इसके अंदर कॉमन निकाल दें, क्योंकि A और E बराबर है सबके लिए, तो 1 अपॉन AE P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3। ये मैं फॉर्मूला पिछले पेज पे लिख चुका था आपके लिए, ये देखिएगा ये रहा। अब बस आपको यहाँ पे केवल ये जो मैंने सारी वैल्यूज निकाली हुई है प्लस 50,000 माइनस 40,000 ये सब वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, और पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा अगर आपका आंसर प्लस में आता है
इसका मतलब क्या हो गया? वृद्धि होगी लंबाई में, यानी कि इंक्रीज होगी लेंथ में, इंक्रीज। क्यों? क्यों? प्लस का मतलब कि ये टेंशन जो है ना वो इफेक्टिव है, वो डोमिनेंट है, तनाव डोमिनेंट है, और तनाव जब होता है, टेंशन जब होता है, वो खींचता है, बढ़ाता है लंबाई को। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो लंबाई में कमी होगी, यानी कि लंबाई में डिक्रीज होगा, डिक्रीज चेंज इन लेंथ होगा, वो डिक्रीज होगा। कारण क्या कि जो माइनस है वो बताता है कि कंप्रेसिव का असर ज़्यादा है, और जब कंप्रेसिव का असर ज़्यादा होता है तो लंबाई में कमी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैंने आज कुछ बातें इस वीडियो के अंदर समझाई। अब एक थोड़ा सा पेज और बच गया तो हम उस पर भी कुछ कर लेते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए कभी कभी आपको इस प्रकार का सवाल मिल सकता है कि ये कोई रॉड है जो लटक रही है छत से, और यहाँ बीच में यहाँ पर यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए 500 किलो न्यूटन का, यहाँ पर लगा हुआ है आपके 400 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे लगा हुआ है 300 किलो न्यूटन का। तो आप एक बात जानें, ऊपर से ये रॉड फिक्स्ड है छत से, रूफ से, और सारे इतने वेट इसके ऊपर नीचे लटक रहे हैं, तो जो सारा भार लग रहा है ना इस छत पे जाएगा, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, कितनी होगी? ऊपर की ओर इन सब की जोड़, भाई 500, 400, 300, 900, 300, 1200, तो 1200 किलो न्यूटन का इस पे एक प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी। क्योंकि बैलेंस करने के लिए जितना फोर्स नीचे लगता है उतनी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन ऊपर होनी चाहिए। अब हम पता करना चाहते हैं कि ये जो मान लीजिए तीन भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों भागों में कितने कितने फोर्स काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। देखो ये पहला वाला भाग मैंने अलग ले लिया, ये पहला वाला भाग, ये दूसरा वाला भाग अलग कर दिया मैंने, ये लो, और ये तीसरा वाला भाग भी अलग कर दिया मैंने। हालांकि मैंने यहाँ थोड़ा सा इसका डायमीटर यहाँ ज़्यादा यहाँ कम दिख रहा, पर एक जितना डायमीटर इतना दिखाना चाहिए, अभी हमारे पास जगह नहीं बची थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आप इसको समझ लें चीज़ को, ये पहला पोर्शन था, ये दूसरा पोर्शन था, और ये तीसरा पोर्शन था। अब प्रश्न उठता है कि इस पहले भाग में कितना फोर्स लग रहा है। देखो ऊपर देखो, वो 1200 लग रहा है, डेफिनेटली ये 1200 ही होगा, डेफिनेटली 1200 होगा। अगर यहाँ 1200 है ऊपर, तो इस पर 1200 नीचे होगा ही। ऐसा कभी नहीं होता है कि रॉड के एक तरफ लगता है उससे दूसरी तरफ कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। वैसे भी आप देखो, अगर मैं यहाँ पेन रख दूँ, ऊपर देखो 1200, नीचे देखो तो 500, 400, 900, 300, 1200। अब बात करते हैं यहाँ कितना होगा, ये तो फर्स्ट की बात आ गई ना, अब सेकंड में कितना होगा। तो जब सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ अपना पेन रख दिया, और अब ऊपर में देखो, नीचे देखो, नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है, देखिए ये 400 और 300, 700, तो यहाँ लग रहा है 700, ये लग रहा है 700 किलो न्यूटन, डेफिनेटली ये भी 700 ही होगा। इसको आप पक्का मानिए, ये 700 ही होगा। और आप चाहें तो देख लें, ये देखो मैंने पेन रखा है यहाँ पे, अब नीचे वाले को भूल जाओ, भूल जाओ नीचे वाले को, ऊपर देखो, ऊपर देखेंगे आप अगर ध्यान से तो 1200 ऊपर है, ये देखिएगा ये 1200 ऊपर है और 500 नीचे है, तो 1200 ऊपर 500 नीचे, नेट क्या रहेगा, 700 किधर, ऊपर के ऊपर ज़्यादा है, तो ये देखिए 700 ऊपर कर दिया मैंने। अब तीसरा पोर्शन ये रहा, इसमें तो केवल ये 300 लग रहा है, इसमें तो केवल ये 300 ही लग रहा है, डेफिनेटली वो भी 300 ही होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पेन रख दूँ और नीचे वाले को छोड़ दूँ, वाला फोर्स को ऊपर चेक कर लो, देखिएगा 1200, ये आपका 1200 ऊपर, ये 500 और 400 नीचे, 500 400 900 हो गए, 900 नीचे, 1200 ऊपर, तो 300 ऊपर हो गया, ये 300 ऊपर हो गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में P1
P2, P3, P1 कितना हो गया 1200 किलो न्यूटन, टेंशन है यानी कि पॉजिटिव। P2 कितना है 700 किलो न्यूटन और P3 कितना है 300 किलो न्यूटन। और आपको ये लेंथ जो है L1, L2, ये सब क्वेश्चन में दे रखे होंगे, आपको एरिया भी दे रखा होगा, यंग्स मॉडुलस भी दे रखा होगा, तो आप फाइनली डेल्टा L निकाल लेंगे आराम से। कैसे, 1/A कॉमन निकाल लेंगे और ये P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3 और सब आपने निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ एक और आप देखें ध्यान से, अगर मैं कहता हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो देखिए भाई A पे कितना फोर्स लग रहा है, A पर 1200, देखिए 1200 दिख रहा है। B पर कितना लग रहा है 500, या देखो B पे 1200 नीचे और 700 ऊपर, तो 700 कम है 1200 ज़्यादा है, तो 1200 में से 700 घटाएंगे तो 500 नीचे हो जाएगा, जो कि यहाँ लग रहा है। यहाँ पे यहाँ कितना लग रहा है C पे 400, देखो यहाँ चेक कर लो 700 नीचे 300 ऊपर, तो 700 माने 300, 400 हो गया ना नीचे, ये 400 और यहाँ पर तो 300 है, ये देखो 300 मिल रहा है यहाँ पे, हर जगह बैलेंस मिलेगा आपको। तो ये मैंने अपनी बात आज पूरी कही है, ये इस वीडियो नंबर 5 का पेज नंबर 4 है और चैप्टर आपका पहला है, डेट आज 21/10/20 है, सब्जेक्ट CE 201 है यानी कि सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और क्लास डिप्लोमा सेकेंड ईयर है और टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एवं विकृति। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है अगर तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरे राजस्थान में किसी भी पॉलीटेक्निक कॉलेज में अगर आपका कोई स्टूडेंट मित्र जानकार पढ़ रहा है आप उसको भी भेजिएगा। और मेरा जो YouTube चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर्टवे, देखिए मैं केवल आपके डिप्लोमा की मैथ्स की बात नहीं, मैं बीटेक भी बच्चे पढ़ाता हूँ और उसके अलावा ज़्यादातर 12वीं 11वीं के बच्चे मेरे से खूब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, और मैंने कई बच्चे जो मेरे से पढ़ के मेरिट के अंदर लेके आए हैं 10th और 12th के, 100 में 100 नंबर बहुत क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन बच्चों को भी सूचना करें, और अगर मेरे जितने वीडियोज़ देखेंगे आपको रेगुलरली मेरे यूट्यूब चैनल पर 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक मैथमेटिक्स के वीडियो भी मिलेंगे। तो आप ऐसे बच्चों को अगर कहेंगे तो उनको ये निःशुल्क बिल्कुल बिना पैसों के ये सुविधा मिलेगी, अगर मेरे वीडियो देखकर वो मेरे को इस नंबर पर 9521663064 अगर मान लीजिए मुझे वो मैसेज करते हैं तो मैं उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा, किताब की जो उसकी कोर्स की बुक है, ठीक है ना। दैट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।